सी लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इस पर डिबेट चलती रहती है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिलेगा कि वो लो है, कहीं पे आपको हाई देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे वो आपको एक इंटरमीडिएट दैट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, और कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो हम पहले ये चीज समझेंगे कि क्या ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो डिसाइड करते हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई सी जो कौन सी जो लैंग्वेज है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है, लो में आ रही है, मिडिल में आ रही है, हाई में आ रही है। तो आपको सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मिडिल करके कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। या तो लैंग्वेजेस जो आती है वो लो कैटेगरी में आती है, और अगर कोई सी लैंग्वेज लो की कैटेगरी में नहीं आ रही है, इसका मतलब वो किस में आ रही है, हाई की कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि क्या कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस या लो लेवल लैंग्वेजेस होती क्या है, ठीक है। लो का मतलब क्या होता है, लो का मतलब आप ये मत समझना जो 0-1 में, मतलब जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो लो लेवल लैंग्वेजेस हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि इवन जो हमारा जावा का बाइट कोड होता है ना, बाइट कोड समझ रहे हो ना, बाइट कोड दैट इज वो 0-1, वो खुद भी एक हाई लेवल लैंग्वेज ही है। तो अब ऐसा सब मैं क्यों बोल रही हूं, तो देखो लो लेवल लैंग्वेज का मतलब वो होता है जो मशीन डिपेंडेंट हो, मतलब कि अगर मैंने लो लेवल लैंग्वेज में कोई सा कोड लिखा है तो वो जो है एक मशीन पर चलेगा, दूसरी मशीन पर नहीं चलेगा, देयर इज नो गारंटी वो दूसरी मशीन पर चले, ठीक है। मान लिया कि जैसे कि एक 8-बिट इंस्ट्रक्शन, एक 8-बिट मशीन पर अगर मैं इंक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन लिख रही हूं तो वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन अगर मैं 16-बिट मशीन के लिए इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन लिख रही हूं तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो आप दोनों में ही देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो अगर मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा है 8-बिट मशीन के लिए तो डेफिनेटली वो 16-बिट मशीन पर नहीं वर्क करने वाला है, इंक्रीमेंट ऑपरेशन। अगर एक प्रोग्राम मैंने लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो वो एक मशीन पर चलेगा, देयर इज नो गारंटी कि वो दूसरी मशीन पर चले, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी डेफिनेटली क्या है, जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, ये चीज तो हमें पहले से ही पता है। ओके, बात आती है सर असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या होनी चाहिए, उसको नॉर्मली मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, और ये चीज मैंने भी मेरे एक वीडियो में बोली थी, उसके लिए आई एम सॉरी क्योंकि वो चीज मैंने गलत बोली थी, ठीक है। अब मैंने जैसे जैसे वो चीजें पढ़ी है तो मुझे ये पता चला देयर इज नो मिडिल लेवल लैंग्वेज। असेंबली क्या होती है, वो जो बाइनरी लैंग्वेज है ना उसी को क्या किया गया है, कोड्स में कन्वर्ट किया गया है। अगर आप असेंबली लैंग्वेज के भी कुछ इंस्ट्रक्शन में यहां पे लिख रही हूं तो असेंबली लैंग्वेज के भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देख रहे हो तो कुछ इस तरह से होते हैं, जहां पे क्लियरली रजिस्टर्स के नेम मेंशनड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने पर्टिकुलर कोई सा भी इंस्ट्रक्शन लिखा, एड R1, एड R1 R2, ठीक है, पूरा आप एड्रेस प्रोवाइड कर दो, तो ये भी क्या है, पूरा मशीन पर डिपेंडेंट है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि असेंबली भी किस कैटेगरी में आ रही है, लो लैंग्वेज की कैटेगरी में आ रही है। तो अब बात आ जाती है सी की, तो एक स्टेटमेंट मैं आपको यहां पे बता रही हूं, जो सी के इन्वेंटर्स कौन थे, सी को किसने बनाया था, डेनिस रिची, उन्होंने ही उस बुक में साफ लिख रखा है कि सी इज नॉट अ वेरी हाई लैंग्वेज, ठीक है। तो सी इज नॉट अ वेरी हाई लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि सी हाई तो है बट वेरी हाई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये चीज तो साफ हो जाती है, जो सी के जो गॉड है वो खुद ही कह रहे हैं सी इज नॉट अ वेरी हाई लैंग्वेज, मतलब वो हाई तो है। तो अब आपको लगेगा कि सी हाई कैसे है, हमने तो बहुत जगह पे पढ़ा है कि सी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, तो आप क्यों बोलते हो कि सी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। हम इसलिए बोलते हैं सी लो लेवल लैंग्वेज है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब हम मैलोक का यूज करके हम खुद क्या करते हैं, मेमोरी अलोट करते हैं क्या, ऐसा हमेशा देखो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, मैलोक कैलोक का यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो जाती है, दूसरी बात ये हो जाती है जो हमारी सो कॉल्ड जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं वो भी कुछ लाइब्रेरीज के थ्रू क्या करते हैं, जो मेमोरी मैनेजमेंट का मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट का काम करती है, ठीक है ना। दूसरी बात ये हो जाती है कि हम मैलोक का यहाँ पे यूज भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कोड है, जो मैलोक का जो कोड है वो हर मशीन पे अलग अलग, अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपने मैलोक का यूज किया है तो वो अगर इस पर्टिकुलर मशीन पे चल रहा है तो वो उस दूसरी पर्टिकुलर मशीन पे भी आराम से चल जाएगा, क्योंकि आप वहां पे क्या बोल रहे हो मैलोक में, साइज ऑफ इंट, मैलोक फिर अंदर क्या लिख रहे हो, साइज ऑफ इंट। तो अगर इस पर्टिकुलर मशीन पे इंटीजर की साइज 2 bytes है तो आपको 2 bytes मिलेंगी एक इंटीजर के लिए, इस पर्टिकुलर पे अगर 4
तो आपने अगर एक फंक्शन लिखा है मैलोक और फिर साइज ऑफ इंट आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मशीन पे, अगर इस पर्टिकुलर मशीन पे इंटीजर की जो साइज है वो 2 बाइट्स है तो आपको 2 बाइट्स मिलेंगे, इस पर्टिकुलर मशीन पे अगर 4 बाइट्स है तो 4 बाइट्स मिलेंगे। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एक आता है कॉन्फ्लिक्ट कि हाँ यहाँ पर ये जो साइज ऑफ इंटीजर होती है ना ये मशीन डिपेंडेंट हो जाती है, तो कुछ अगर आप बड़े बड़े नंबर्स को आप क्या कर रहे हो, एड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आता है वो क्या हो जाता है, मशीन डिपेंडेंट हो जाता है, इतनी सी बात हो जाती है। मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सी में जो लिखा गया प्रोग्राम होता है वो एक मशीन पे चलेगा दूसरी मशीन पे नहीं चलेगा। आप खुद इस चीज को रन करके देख सकते हो, ठीक है, सी के आपने जो भी प्रोग्राम्स लिखे हैं वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वहां कहीं आपने रजिस्टर्स का ध्यान नहीं रखा है, कहीं आपने उस मशीन का ध्यान नहीं रखा है कि अभी मैं जो प्रोग्राम बना रही हूँ वो 8 बिट मशीन के लिए है या 16 बिट मशीन के लिए या 32 बिट मशीन के लिए एंड सो ऑन। इंक्रीमेंट ऑपरेशन, डिक्रीमेंट ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है वो आपको लिखते टाइम कोई ऐसा ध्यान रखना नहीं पड़ता है। इसके अपोजिट अगर आप कोई बाइनरी में, बाइनरी में तो अभी आप क्या ही लिखोगे, क्यों ही लिखोगे, अगर आप मशीन लैंग्वेज का कोई सा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो तो वो पूरी तरह से, असेंबली लैंग्वेज का कोई सा भी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो तो वो पूरी तरह से क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट। जैसे अगर एक x86 मशीन की आप बात कर रहे हो जो कि नॉर्मली कंप्यूटर्स में होती है, ठीक है, डेस्कटॉप पे होती है, तो उसके लिए जो कोड, जो उसके लिए जो असेंबली इंस्ट्रक्शन होगा फॉर इंक्रीमेंट वो कुछ इस तरह से होगा। एक ARM की बात करें जो कि किसके लिए, किस में यूज होती है, हमारे मोबाइल फोन्स में यूज होती है वो मशीन, तो उसमें इंक्रीमेंट का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, उसका जो असेंबली इंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो वो असेंबली या मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको हम बोल सकते हैं, मशीन लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें सी की तो वो लो लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज, क्यों बोला जाता है उसको लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि सी जो है वो पॉइंटर्स का यूज करता है, ठीक है। तो पॉइंटर्स का यूज करके हम मानते हैं कि पॉइंटर्स का यूज करके हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सी का एक ड्रॉबैक हुआ। उसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि सी लो लेवल लैंग्वेज हो गई, क्योंकि सी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि वो लो लेवल, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे हर एक प्रोग्राम में हार्डवेयर के साथ उसका इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्डवेयर के साथ हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि सी का क्या हो जाता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है फॉर गेमिंग एप्लीकेशंस एंड फॉर अदर एप्लीकेशंस, ठीक है ना। उसकी वजह से हम उसको लो की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज, कहीं कहीं पे ये बोला जाता है कि सी उतना एब्स्ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करती है जितना जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना, उतना एब्स्ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करती है। तो देखो यहाँ पे बात आ जाती है फीचर्स की, कि सी में ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिसिंग हैं कुल मिला के, यही बोल सकते हैं ना, जो कि जावा में है, जो कि पाइथन में है, तो ऐसे कई सारे फीचर्स इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहले थी हमारी मशीन लैंग्वेज, देन आई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना, उसके बाद क्या आई सी। तो अगर किसी ने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की होगी ना तो उसको डेफिनेटली सी क्या लगेगी, हाई लेवल लैंग्वेज ही लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर अभी कोई प्रोग्रामिंग किसमें कर रहा है, जावा में, पाइथन में, बहुत सारे ऐसे फीचर्स यूज कर रहा है, ठीक है, जिनकी हेल्प से उसको एक अच्छा सा एब्स्ट्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, एक अच्छा सा इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है, तो उनको सी लो लग सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सी लो है, हो सकता है इससे कोई और एडवांस लैंग्वेजेस आने लग जाए जिनमें बहुत और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, जावा से, पाइथन से और भी ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं, फिर तो इसका मतलब ये है कि आप जावा और पाइथन को भी लो लेवल लैंग्वेज बोल दो। तो फीचर्स के बेसिस पे हम किसी भी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। कुल मिला के लो का इकलौता मतलब ये है कि जो कोड, अगर अगर उस लैंग्वेज में लिखा गया कोड मशीन पे डिपेंड कर रहा हो तो वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो भी लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। मिडिल करके कुछ भी होता ही नहीं है।